लेना है और एक कप आपने शुगर लेनी है। आपने दूध और चीनी को दोनों को मिक्स करके इतना बॉयल करना है कि एक कप आपका ये मिक्सर रह जाए और आपका कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं। अब ये मैं कंडेंस मिल्क बना रहा हूँ, इसमें 1 लीटर दूध है, 1 कप शुगर है। आप हो सके तो बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाना बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा बनता है। अब ये होममेड कंडेंस मिल्क तैयार हो गया, ये देखें। अभी इसे थोड़ी देर ठंडा होने देना, फिर इसके बाद हम मैंगो की आइसक्रीम बनाएंगे। देखें आप, कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो चुका है। इसे तैयार करके मैंने 2 घंटे फ्रिज के अंदर रखा है, ये देख रहे हैं आप इसका व्यू। इसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपने व्हिप क्रीम लेनी है, मैंगो लेनी है और दूध लेना है। आइए अब हम आइसक्रीम तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने मैंगो की कटिंग यानी छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इससे हम आइसक्रीम तैयार करते हैं। अब हम मैंगो की प्यूरी तैयार करते हैं, मैंगो जग के अंदर डालते हैं। इसके साथ ही हम क्रीमी मिल्क ऐड कर देते हैं, ये देखिए। अब मशीन को ऑन करते हैं। ये मैंगो प्यूरी तैयार हो चुकी है, इसे हम बोल के अंदर निकालते हैं। सबसे पहले हम व्हिप क्रीम को बोल के अंदर डालते हैं। 1 कप से थोड़ी सी कम आपने व्हिप क्रीम लेनी है, ये देख लें, इसको बोल के अंदर डालते हैं। सबसे पहले हम व्हिप क्रीम को अच्छे से बीट करते हैं। अब ये तैयार हो गया, इसमें आस्ता आस्ता हम कंडेंस मिल्क ऐसे स्पून्स की मदद से ऐसे आस्ता आस्ता। अब ये थोड़ा सा बच गया, इसको भी हम आस्ता आस्ता डाल लेते हैं। अब ये सारा हम ऐड कर देते हैं जो बच गया है। इसे ऑन करते हैं मशीन को। अब ये तैयार हो चुकी है, इसमें अब मैंगो प्यूरी डालते हैं। थोड़ी थोड़ी आपने करके डालनी है। डालते हैं इसमें मैंगो प्यूरी। अब थोड़ा सा और शेक, इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता तमाम मैंगो की प्यूरी डाल देनी है। अब इसमें और मैंगो प्यूरी डाली जाएगी। ये तमाम मैंने मैंगो प्यूरी डाल दी है। अब इसे और थोड़ा सा शेक कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर आपने ऐड करना है। ये मैंने ऐड कर दिया फूड कलर। चुकी है, इसे हम कंटेनर में निकालते हैं। इस तमाम निकाल लेते हैं इसे कंटेनर में, ये देखें बहुत मज़े की तैयार हुई है। इसे तकरीबन आपने 6 घंटे फ्रीज़र के अंदर रखना है और इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी 6 घंटे और बहुत मज़े की तैयार होगी। अब ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। मैंने 6 घंटे बाद
फ्रिज में से निकाल लिया है, अब इसे हम बोल के अंदर डालते हैं। ये देखें, ये देखें, अब ये मज़ेदार आइसक्रीम मैंने निकाल दी है बोल में और बहुत मज़े की तैयार हुई है। आप इंशाल्लाह घर में ज़रूर ट्राई करें। आप मेरा